जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ धरना हो रहा है, हमारे साथ चीफ प्रॉक्टर मैम है, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये धरना क्यों है और इस पर इनका क्या कार्रवाई होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भावी छात्र संघ के प्रत्याशी हैं। छात्र संघ के प्रत्याशी जो है उनका कहना है कि तुरंत से तुरंत छात्र संघ चुनाव होने की घोषणा की जाए। घोषणा करने के लिए हमने लगभग 3 संभावित तिथि जिला प्रशासन को मैं उपलब्ध करा चुकी हूँ, हमारे चुनाव अधिकारी उपलब्ध करा चुके हैं। जैसे जिला प्रशासन से कोई निर्णय मिल जाएगा चुनाव की तिथि मतलब घोषित हो जाएगी। जी जैसे कि अभी कुछ अभी बात की जाए, छात्रों ने आपकी गाड़ी को तोड़ा था, इस पर क्या आप कहेंगे? उसमें एक छात्र हैं प्रतीक गुप्ता, उनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका हूं और आज ही तिथि की घोषणा की जाए। ये 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की घटना में लगभग सभी संभावित प्रत्याशी बैठे हुए थे, उनका कहना था चुनाव अधिकारी इसी वक्त तिथि की घोषणा कर दे और पूरा वो मानसिक दबाव बना रहे थे कि आप घोषणा करके ही उठेंगे। तिथि की घोषणा नहीं हो पाई तो छात्रों में कहा कि आप जाइए जिला प्रशासन जाइए और अभी इसी वक्त सहमति लेके आइए और घोषणा करिए। मैं अपने चुनाव अधिकारी के साथ जैसे ही गाड़ी में बैठी, छात्रों ने कहा कि आप जाइए मैडम, आप जाइए। सब लगभग काफ़ी छात्र ठीक थे, लेकिन एक छात्र ने गुस्से में आके गाड़ी पर अपने हाथ से दाहिने हाथ से वार किया जिससे वो शीशा टूटा। अभी हमने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन ने तोड़ा है और नाम मेरे पे डाला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास सीसी फुटेज है, सीसी फुटेज के देख के मैंने उन्हें 15 दिन के लिए परिसर प्रतिबंधित भी मैं की हूँ। चूँकि छात्र हैं, किसी गेट से अंदर आ गए हैं, अब इस समय सब छात्रों के बीच में हैं तो उनको मैं बाहर कर भी नहीं सकती, लेकिन उनके ऊपर परिसर का प्रतिबंध लगा हुआ है प्रतीक गुप्ता के ऊपर। सीसी फुटेज आप कोई भी देखना चाहे तो देख ले, हमारे पास उपलब्ध है। उनके दाहिने हाथ से शीशा तोड़ा गया है और उनके हाथ में आप इस समय भी देखेंगे कि पट्टी बंधा हुआ है, कांच उनके हाथ में चुभा था, मैंने देखा था ब्लड गिरते हुए प्रतीक गुप्ता के हाथ में, अभी भी टेप लगा हुआ है, बैंडेज बंधा हुआ है, कांच जो चुभा था उनके हाथ में। और जैसे कि छात्र संघ पदाधिकारियों का ये कहना है कि जो मैगजीन छपी है उनकी उसमें फ़ोटो नहीं है और यहाँ दीक्षांत समारोह में आए थे तो उन्हें सीट नहीं दिया गया था, तो ये इस पर आप क्या कहें? देखिए, दीक्षांत समारोह जो हमारा हुआ था लगभग 200 सीट का ही वो कक्ष है, 200 सीट में जो गोल्ड मेडल के बच्चे थे वो थे, हमारे विद्या परिषद के और कार्य परिषद के टीचर्स थे और भी मीडिया कर्मी थे, सीट हमारी निर्धारित थी, इसलिए उस कक्ष में उतने ही छात्र बैठ पा रहे थे कि जो पिछले चुनाव के प्रत्याशी थे, 4 प्रत्याशी थे, अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये लोग बैठे थे, अंदर बैठे थे, सम्मान से मैं उनको बैठाई थी। समस्त छात्र तो उस कक्ष में नहीं बैठ सकते जहाँ 200-250 की सीट है, वहाँ का कहना है कि पदाधिकारियों को भी सीट नहीं दी गई, नहीं मिली थी, उसके अंदर वो बैठे थे, अगर वो ऐसा कह रहे हैं उनको सीट नहीं मिली तो ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं उस कक्ष में वो बैठे हुए हैं, मैं अपने से ही बैठाई थी उनको, उनको निमंत्रण कार्ड मिला था तभी वो एंट्री किए और उस कक्ष में बैठे। क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव क्या होगा, आगे का क्या होने वाला है? जब तक हमको प्रशासन से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेगा मैं कैसे चुनाव करा लूँ, क्योंकि लिंग 2 कमेटी का जो नियम है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रशासन की सहमति से ही विश्वविद्यालय चुनाव कराएगा। जैसे ही मुझे प्रशासन की कोई सहमति मिल जाएगी मैं चुनाव करा दूंगी। सबसे पहले चीफ प्रॉक्टर ने एक आरोप लगाया है कि आपने उनकी गाड़ी को तोड़ा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सत्य है कि उनकी गाड़ी टूटी हुई है, गाड़ी नहीं टूटी हुई है, गाड़ी का जो पिछला शीशा होता है वो टूटा हुआ है, तो शीशा किसी के हाथ से मारने से टूटता नहीं है, पहली बात। अगर उनके पास सबूत, पुख्ता सबूत है, वो बोनिंग CCTV फुटेज है, तो वो जो है हमारे सामने लाइए तो मैं कहूँ अगर। और दूसरी चीज़ कि शीशा कमज़ोर था, गाड़ी कमज़ोर थी और अंदर जो है गाड़ी में जितने लोगों को उपस्थित होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग थे, गार्ड वगैरह थे, और झटका लगने से शीशा गिरा हुआ है और कोई तोड़ा उसको नहीं है पर्सनली। अगर आपको लगता है कि एक हाथ से मारने से अगर शीशा टूट जाता है तब मैं तोड़ा हूँ, और कहीं ना कहीं वो झटके से टूटा है, गैस बन गया था इसकी वजह से टूटा है और गाड़ी बहुत पुरानी है। आप मानते हैं कि आपने तोड़ा है? मैं ये नहीं मानता हूँ, उनको लगता है कि मैंने तोड़ा है। अगर किसी गाड़ी को एक हाथ से मारने में अगर शीशा टूट जाता है तब मैं तोड़ा हूँ, लेकिन आप कभी ज़िंदगी में हाथ से मारने से शीशा टूटेगा ही नहीं। बीच में कल मुझे चीफ प्रॉक्टर मैम फ़ोन करती हैं तो बोलती हैं कि आप कड़ा पहनते हैं, मैं आज तक कभी कड़ा पहना ही नहीं हूँ। उनका आरोप है कि आपके हाथ में अभी भी चोट लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, शीशा फूटा है, कांच का जो है पार्ट निकल के आया है, हाथ में गिरा हुआ है, उससे चोट लगी है। अब हाथ से मारने से शीशा नहीं टूटता है और मैंने शीशा नहीं तोड़ा है, वो उनकी भूल है, कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि गाड़ी भी पुरानी थी, झटका लगा है, वहाँ पे गार्ड वगैरह के डंडे से भी कुछ प्रेशर पड़ा है, कुछ लोग जो है अंदर जो है कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित तो लगातार पीटते जा रहे थे, उससे वो शीशा जर्जर हो गया था, खोखला हो गया था, कमज़ोर हो गया था, और गाड़ी चली है, मुझे पीछे से धकेला गया है, मेरा हाथ पड़ा है, शीशा अपने आप गिर गया है, हाथ से शीशा टूटता नहीं, मैंने शीशा नहीं तोड़ा है। धन्यवाद। कैमरामैन सैयद अर्श के साथ मैं प्रभात गुप्ता, देखते रहिए सिर्फ समाचार।